हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। पूनम किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ भंडारे वाली बूंदी, जो प्रसाद के रूप में हमें मिलती है। हम कहीं भी जाते हैं तो प्रसाद के ज़्यादा तौर पे बूंदी ही मिलती है, तो आज वही वाली बूंदी हम घर पे बनाएंगे। और इस समय तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो माता रानी के भंडारे में बूंदी तो बनती है, आज हम वही बनाएंगे। इधर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। आप कोई भी बर्तन से, कटोरी, गिलास, आपके पास कप हो जिससे आप नाप के ले लीजिएगा जितना आपको बूंदी बनानी है, और उसी बर्तन से आप थोड़ा थोड़ा पानी ले लीजिएगा। पानी भी नाप के ही ले लीजिएगा। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे। बेटर हमारा जो पतला ना हो ना मोटा हो, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से है। तो इतना पानी मैंने एक कटोरी पानी लिया था, उसमें इतना पानी बच गया है एक चम्मच, और बेटर हमारा एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे, जो हम केक में डालते हैं और जो हम कुछ और बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम तीन भाग करेंगे, हमें तीन कलर की बूंदी बनानी है। तो आपको जो कलर पसंद हो उस कलर इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक बड़े चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच, और उसी चम्मच से मैंने एक एक चम्मच इसमें निकाल दिया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें मैं येलो कलर की बूंदी ज़्यादा ही बनाऊंगी, तो इसमें मैंने आधा चम्मच लिया है, फूड कलर लिया है। आपको जो अच्छा लगे उसमें आप डाल सकते हैं। इधर मैंने चुटकी भर लिया है रेड कलर, और इसमें मैं डालूंगी ग्रीन कलर। आपको जो अच्छा लगे वो इसमें आप डाल सकते हैं। ग्रीन कलर को भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर हमारा कलर एकदम मिक्स होकर रेडी हो चुका है। तेल भी हमारा गर्म है। आप इसको अभी हम छानेंगे। ये पूड़ी छानने वाला झरना है और इससे हम झारेंगे। ये सबके घर में मिल जाता है आसानी से। इसी पे हम एक बड़ा चम्मच डालेंगे और बूंदी अपने आप एक बार में एक ही चम्मच ही डालें, और एक बार बनाएं तो उसका जो झरना है उसको धो लें, नहीं तो अच्छी बाद में बनाएंगे तो उससे अच्छा नहीं निकलेगा। तो हर बार बनाएं तो हर बार धोई के बनाएं। इधर देख सकते हैं बूंदी हमारी एकदम बन के रेडी हो चुकी है। इसे ही सारी बूंदी हम बना लेंगे, और कितनी अच्छी बनी है, क्रिस्पी भी है। और ऐसे ही सारी बूंदी हमने बना ली है। इधर मैंने रेड वाली भी बना ली, ग्रीन भी वाली बना ली है। अभी हम चलेंगे चाशनी की तैयारी करेंगे। तो इसमें मैंने डालने के लिए खरबूजे का बिया लिया है। इसको भी हम थोड़ा से भून लेंगे सिलो आँच पे। इसमें आप घी भी डाल सकते हैं और ऐसे भी भून सकते हैं। तो इसको हम वैसे ही भूनेंगे। तो इसको सिलो आँच पे भूनना है, और 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाएगा। और इसमें से जब भून जाएगा तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये भून चुका है। तो अभी ये भून रेडी हो चुका है, तो अभी हम चाशनी बनाएंगे। और चाशनी के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली, भर के नहीं ली है। आप अपने हिसाब से कितना आपको मीठा चाहिए उतना आप ले सकते हैं चीनी। तो इधर मैंने उसी कटोरी से भर के पानी भी लिया है, तो इसको हम चला लेंगे। चीनी हमारी एकदम गल गई है, तो इसमें हम इलायची डाल देंगे। आपको अगर इलायची अच्छी हो तो आप डाल सकते हैं। तो इधर मैंने 4 इलायची ली है, उसके बीज को निकाल लिया, छिलकों सहित मैंने डाल दिया है, और चीनी का। अभी हम इसको चेक करेंगे, तो इसमें हल्का सा चिपचिपापन आना चाहिए, नहीं हमें एकदम तार वाली चाशनी चाहिए, एकदम चिपचिपा सा। तो चाशनी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, तो उसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे 2 से 3 मिनट। फिर उसमें जो हमारी बूंदी हमने बनाई है उसको हम डाल देंगे। इसको हम अच्छे से चलाएंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे, इसको हम उलट पलट के चला लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू लिया है जो हमने, और खरबूजे की बिया है, और किशमिश लिया है। काजू को हमने बीच में से 2 भाग कर लिया है। इसको हमने चला के एकदम अच्छे से 5 मिनट तक ले छोड़ दिया है। आप 5 मिनट के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। आपको अगर जल्दी है तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप हो जाएगा। और देख सकते हैं एकदम बूंदी हमारी एकदम भंडारे वाली रेडी हो चुकी है, और बाहर जो मिलती है वैसे ही बनी है। दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, आप लोग को अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें। फिर कोई नई वीडियो लेके मिलूंगी। बाय दोस्तों।